नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे। दोस्तों, मध्य प्रदेश अध्यापक यानी कि नवीन शिक्षकों के प्रथम क्रमोन्नति और डीए की बड़ी खबर आ रही है और इसमें उनको एक तगड़ा झटका और लगने वाला है 7वें वेतनमान के एरियर को लेकर। मध्य प्रदेश के सभी कर्मचारियों के साथ महंगाई भत्ता अध्यापकों को रोका गया और साथ में उनकी जो 6ठे वेतनमान की एरियर की अंतिम किस्त मिलना थी वो भी रोक दी गई। इसलिए आप मध्य प्रदेश के सभी अध्यापक शिक्षक ध्यान दें और इस पर अपने विचार लिखें। तो आइए पूरी खबर विस्तार जान लेते हैं किस जिले से आ रही है लैट्स गो। तो दोस्तों, 12 साल की सेवा दे चुके अध्यापकों की 2 साल से अटकी क्रमोन्नति प्रक्रिया शुरू हुई है। दोस्तों, खबर मध्य प्रदेश से गुना जिले से आ रही है कि 12 साल की सेवा पूरी कर चुके अध्यापकों की क्रमोन्नति की प्रक्रिया आखिरकार शुरू हो गई है। इसे लेकर डीईओ ने सोमवार को आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने संकुल प्राचार्यों से कहा है कि वे इसके अलावा उनके विगत 5 साल की मूल गोपनीय चरित्रावली भी भेजने को कहा गया है। शिक्षक कांग्रेस के रणवीर सिंह कुशवाहा ने बताया कि लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी। वहीं राज्य अध्यापक संघ के नरेंद्र भार्गव ने कहा कि पूर्व में यह प्रक्रिया जटिल होती थी, इसके लिए शिक्षा विभाग और पंचायत व नगरीय निकाय विभाग के बीच लंबा पत्राचार चलता था। महंगाई भत्ते पर अध्यापकों को जुलाई 2019 से जून 2021 तक कुल 24 माह का महंगाई भत्ता नहीं मिलेगा। इससे प्राथमिक शिक्षक को न्यूनतम 67,000 और अधिकतम 1,07,000, माध्यमिक शिक्षक को न्यूनतम 87,000 और अधिकतम 1,22,000 और उच्च माध्यमिक शिक्षक को न्यूनतम 96,000 और अधिकतम 1,43,000 का नुकसान होगा। एरियर की बात करें तो 6ठे वेतनमान के एरियर की तीसरी व अंतिम किस्त रोक दी गई है। वहीं 7वें वेतनमान की बात करें तो अध्यापकों को एक और झटका 7वें वेतनमान के एरियर को लेकर लगने वाला है। तो दोस्तों, आप मध्य प्रदेश के किस जिले से अध्यापक शिक्षक हैं, क्या आपकी भी प्रथम क्रमोन्नति की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है या नहीं, इस पर अपने विचार लिखें और जो खबर हमने दिखाई उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।